के लड़के ने मिलकर की थी हत्या। थाना बिलासपुर क्षेत्र में ई रिक्शा चालक प्रेम शंकर की हत्या का खुलासा। दोनों गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में की गई कार्यवाही के तहत 27 मई को कस्बा बिलासपुर में रुद्रपुर रोड पर एहरो तिराहे के निकट ई रिक्शा चालक प्रेम शंकर पुत्र नेमचंद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी टांडा हुरमत नगर कस्बा व थाना बिलासपुर की किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर थाना बिलासपुर पर 130/2020 धारा 302 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। थाना बिलासपुर द्वारा पुलिस उप अभियोग में प्रकाश में आए दो अभियुक्तों को एहरो रोड एलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया आला कथित तमंचा 12 बोर मय दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों में ओमकार पुत्र बालक राम उम्र करीब 50 वर्ष निवासी मोहल्ला टांडा हुरमत नगर कस्बा व थाना बिलासपुर, सूरज पुत्र ओमकार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी उपरोक्त रहे। 27 मई को कस्बा बिलासपुर के एहरो मोड़ पर एक ई रिक्शा चालक की हत्या हुई थी, अज्ञात लोगों द्वारा कर दी गई थी। पुलिस ने काफी सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब खंगाले, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। बट सर्विलांस के ही माध्यम से एक क्ल्यू हाथ आया, जिसके आधार पर फिर मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है। उसके चचिया ससुर का बेटा था जिसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके चचिया ससुर, चचेरे देवर, इन लोगों का लगातार आरोप था कि ये एक्सीडेंट में मौत नहीं है, बल्कि जो मृतक प्रेम शंकर है इसने अपने चचेरे भाई की हत्या करवाई है इस तरह से। और इस डाउट के आधार पर वो लोग ईर्ष्या रखते थे और उनके द्वारा ही इस तरह की हत्या कार्य की। उसकी पत्नी के इस क्ल्यू के बाद पुलिस सक्रिय हुई और साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर चचिया ससुर, चचेरे देवर दोनों की गिरफ्तारी हुई और उन्होंने पूरा घटनाक्रम का बयान थाना प्रभारी को बताया और अब उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से न्यायिक अपेक्षा मिले नहीं। जो वादनी मुकदमा उसकी पत्नी है, उसका चचिया ससुर है, यानी मृतक का चाचा है, चाचा और चचे।